जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत विद्वाना ने बहुत अच्छिया गल्लां कीतियां और फैडरल स्ट्रक्चर की लोड़ नू वध अधिकारां दी लोड़ नू बहुत अच्छे तरीके नाल डिफाइन किया एनालाइज किया। मैं पिछले पच्ची साल तो एस पी सिंह जी जिदा मेरे बहुत अजीज़ मित्र भी ने बड़े अरसे तो असी चाहे कई बार 6 महीने साल ना भी मिली है लेकिन साड़ी वेवलेंथ एक हैगी है। मैं पिछले 25 साल तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स च एक तो मैं तुहानू अपने तजर्बे दे राही ये कहना चाहुंदा कि इह सिस्टम ही फेल है सारा। आपां चल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली बिकॉज एक अपने आप नूं सब तो वड्डी जमहूरीयत कहने आपां दुनिया च, पर जे तुसीं इस नूं केयरफुली एनालाइज करा जिहड़ियां गल्लां इन्हां ने अपनियां इंटरमिटेंट जिहड़े रेफरेंसिस दित्ते बड़े अच्छे अपने सटायर विच गल कीती आ, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई इत्थे। यह सब एवें एक दिखावा है और जेडे लोग इस वक्त राजसत्ता बैठे उन्होंने बहुत सूट करता, उन्होंने स्टेटस कोस्ट सिस्टम जो चल रहा है उन्होंने एडवांटेजस है। नीचे अगर आप देखिए क्योंकि आप बेसिकली सिस्टम अडोप्ट किया फ्रॉम द ब्रिटिश, उन्होंने चला ढंग अपने चला ढंग जमीन आसमान का फर्क है। जो आप कले फैडरल ढांचे के उद्दे झात मार लीए कि डेमोक्रेटिक तरीके इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड आयरलैंड डील किया वा, कैनेडा ने क्यूबिक स्टेट डॉक्टर गांधी नाल मैं बैठा सी कन्फर्म कर रहे थे 3 वार उत्थे रेफरेंडम्स हो चुके ने, वो फ्रेंच डोमिनेटेड स्टेट है, वो कहिंदे असीं तुहाडे तों अलग होना, कहिंदे जी सद के अलग हो जाओ कोई गल ही नहीं की रेफरेंडम करा लैने वोटां पवा लैने आ जे तुहाडी वोट वध आ तुसीं अलग हो जाओ। 3 वार वो छोटे थोड़े मार्जिनस ते जिहड़े फ्रेंच लोग सीगे वो हार जांदे रहे, बड़े सोहणे सैटल्ड है, कोई गोली नहीं चली, कोई टैंक नहीं चढ़िया, कोई लाठियां नहीं वज्जियां, कोई कतलोगारत नहीं हुई। सी नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रू फेडरलिज्म एंड जिहड़ा आपां हुण इत्थे जिक्र कीता शायद कि आपां थ्योरेटिकली आपां उहनूं प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह है नहीं आए एवें गलत फहमियां। ठीक है डक्के डोले खा रहे हैं धक्के खा रहे हैं डीसियां एसएसपियां दे पेश हो रहे हैं लेकिन इंसाफ नाम की चीज़ बिल्कुल कोई है नहीं। मैं ये अपने तजर्बे चो तुहानूं शेयर कर रहा वा और मैं अपनी गल कर लवां, आई एम नाउ थर्ड टाइम MLA, साढ़े स्पीकर साहब बैठे ने, MLA बनन का बड़ा ही शौक है लोगों जी। कई बार MLA बनने वास्ते लोग 3-3, 4-4 करोड़ रुपया जिथे कितने ज़्यादा टसल है शायद 8-10 करोड़ रुपया भी खर्चते हैं लोग, तो है ही कख नहीं अंदर वो। वी हैव नो पावर्स एज लैजिसलेटर्स, शायद तुहाडे चो भी कई शायद इलम ना हो, बहुत चंगे विद्वान भी बैठे ने समझते हैं, साडा नाम दिता सानू जी विधानकार, विधानकार मीनस लैजिसलेट लॉ मेकरस, लॉ तो असं विधानसभा जी बनावे ना, तो विधानसभा मिलती है 365 दिन चो एवं 12-15, 20 दिन, 25 दिन, उत्थे भी साड़ी फ्रीडम नहीं हैगी। चलो अज स्पीकर ने लेकिन जो ये ओपोजिशन से यही गल्ला जो मैं कह रहा यही गल्ला ये कहें बहुत शोर मचा के फेयरनेस ही है नहीं। मैं इन्हों इन को तंज नहीं कस रहा, एक सिस्टम पुराना बनया रद्दी वो जिहड़ा उत्थे आण के बह जांदा उस रद्दी सिस्टम नूं होर रद्दी दबा के करता वा। तो साढ़े को मैं MLA फिर तो कहता रीइटरेट करता वी हैव नो पावर्स एट ऑल। जिहड़े MLA नींह पत्थर रख रहे ना पिंडां जाके ये सारियां यूसर्प्ड हाईजैक पावर्स आ, साड़ा कोई असी कोई नींह पत्थर नहीं रख सकते, असी कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, असी किसी का साढ़े कोई डिस्क्रिशनरी MLA दे कोल कोई इस तरह का फंड नहीं गा जिहदे नाल असी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पिंडां च जां किसी कस्बे शहरां दे विच क्रिएट कर सकी, इट्स अ टोटल फार्स। सो गल इत्थों शुरू होनी चाहिए कि जिहड़ा एक टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही फेल हो चुका। असूलन तो अज देश के चंगे बंदियां नूं चंगियां पार्टियां नूं एक अपना प्रैक्टिकल मॉडल कढ़ना चाहिए वा जिहदे नाल भारत देश जिहड़ा वो विकसित देशों की तर्ज से चल सके, लेकिन किसी ने करना नहीं गा क्योंकि जिहड़े बैठे ने उन्हां नूं सूट करदा वा। हुण तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़ियां स्कीम्स दिल्लियों बनदियां ने लेबर दियां स्कीम्स एजुकेशन दी दा सिलेबस या कोई होर डिवेलपमेंट दियां स्कीम्स कदी यूनिवर्सल हो सकदियां ने? पंजाब दे जमीनी हालात होर ने, जम्मू कश्मीर दे होर ने, तमिलनाडु दे होर ने, नॉर्थ ईस्ट दे होर ने, लेकिन सारियां हैन यूनिवर्सल, सारे दे इकट्ठियां लागू कीतियां जांदियां ने, सारे सूबियां दियां अलग अलग भाषावां धर्म वगैरह सभ्याचार, लेकिन सिलेबस सानू सारयां नू CBSE ते ICSE दे राही इक पढ़न दे मजबूर किया जा रहा।
आ तीन चार गल्लां तां पंजाब दे नाल जिहड़ियां बहुत प्रोमिनेंट ने पाणियां दी गल हो चुकी है, मतलब साडा पाणी पंजाब इज सिंगल स्टेट रिवर, नो इंटरस्टेट रिवर एट ऑल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रैपेरियन लॉ दे, साडा पाणी भी चले गया वा। साडी तालीम दे विच मैं पुछ रहा सीगा बच्चों नूं, मेरे ख्याल गुरु साहिबान दे बारे भी बहुत घट पढ़ाया जाता, तो शायद महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर ही है नहीं कि चज नाल, जिहड़ा सब तो वड्डा एक सोवरन राज होया इस किते दे विच, इस एरिए दे विच जिन्हें फेयर ते जस्ट रूल दिता, उहदा कोई जिक्र ही है नहीं कि भी। लॉ एंड ऑर्डर कहण नूं साडा सबजैक्ट है, लेकिन जदों NSA लाउणी आ, UAPA लाउणी आ, जां कोई होर टाडा लाउणी आ, उह साडा कन्न मरोड़ के उत्तों लवा दिंदे ने। आ हुणे ताज़ा जो हालात होए, कितें कीड़ी नहीं मरी, कोई कतरोगारत नहीं हुई, कोई दंगे नहीं होए। लुक एट द मैसिव ह्यू एंड क्राई क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एस्टैबलिशमेंट मशीनरी, इदां पेश करता पंजाब नूं कि पंजाब तां जी सारा ही एंटी नैशनल हो गया, इह तां बिल्कुल टुटण वाल टुटण दे कंडे दे खड़ा वा। सत्त जिलों की पुलिस एक बंदे नूं लभदी, इहनूं सवेरे 5 बजे घरों चक सकदे सी, फड़ सकदे सी, उह घरे ही बैठा सीगा उदण सवेरे। NSA साडे बच्चे चक के आसाम दे विच भेजदे आ। टैल मी वॉट सेंस डज इट मेक, तुसीं पनिश दिओ करो सारिआं नूं जिहदा किसी का जिन्ना कसूर बनता। अगर उन्हें अजनाले थाने च हमला किया 307 लाओ, 452 लाओ, अगर वो खालिस्तान की मांग कर लिया वो सेडिशन के चार्जेस 153 सैक्शन ए हैगा वा, उन्होंने फड़ के अंदर दो, जिनी देर वो ट्रायल करो अच्छी तरह, सज़ा दो जी सज़ा बनती है तो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी साढ़े हाथ च, कहण नूं साढ़े हाथ है, तो आप फैडरल ढांचे की गल कर रहे, साढ़े को तो वह भी है नहीं गा जिहड़ा स्टेट लिस्ट के लिखा होया वा, एग्रीकल्चर स्टेट सबजैक्ट है। राजेवाल साहब कह के चले गए ने, कानून उत्तों बनाई जाते हैं, और सारा कुछ वायदा करके एडा वड्डा अंदोलन होया, सारा वायदा करन तो बाद हुण फिर साइलोज़ नूं ते गोडाउनज़ नूं मंडी डिक्लेयर कर दिता वा। MSP बनाई नहीं अज तक, जिहड़ी कमेटी बनाई उहदे च जिहड़े संघर्ष करन वाले सी स्टेक होल्डर्स उह पाए ही नहीं उहदे विच, इहदों ज़्यादा ज़्यादती की हो सकदी मैनूं दस्सो तुसीं ज़रा। सो देयरफोर और फैडरल स्ट्रक्चर इट्स अ नीड ऑफ द आवर, बट इट शुड बी फेयर एंड जस्ट, बराबर दे स्टेक होल्डर्स। और मैनूं गल याद आउंदी आ, मेरे पिता जी क्योंकि अकाली दल नाल संबंधित सीगे, 72-73 जिहड़ा ओरिजिनल आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, पहला तो उन्होंने भंडिया ही नहीं बुरी तरह नाल, ऐ पेश करता जिदा बहुत वक्खवादी रेजोल्यूशन है जी, बस देश टुटी चलिया वा। और साढ़े बजुर्गों ने बहुत अकलमंदी का सबूत दिता उदों, और कदों उठाती जी गल आप अज मेरे ख्याल लिटरली 50 साल बाद डिस्कस कर रहे, उन्होंने 50 साल पहला सोच ली सी। और बहुत सारिया रीजनल पार्टीज़, बहुत अच्छी एक स्ट्रगल, बड़ा अच्छा एक बनिया सिस्टम, लेकिन फिर हौली हौली वह गायब हों रहा। वह कारण एक हैगा कि जो मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स है, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया, उन्होंने तो जुबान भी एक है, उन्हों का पहरावा भी एक है, उन्हों का सभ्याचार भी एक है, उन्होंने मोस्टली धर्म भी एक हैगा, उन्होंने तो लोड़ ही कोई नहीं गी। ये जेडे फ्रिंज पर बैठे ने लोग, जिहड़ियां घट गिनतियां ने, चाहे वह जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे केरला, चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आ साउथ दियां, नॉर्थ ईस्ट दियां, उन्होंने लोड़ है असल में इस वध अधिकारां दी, इस फैडरल ढांचे की। तो फिर हुण दुख की गल है कि जेडे आप जो पहले भी जिक्र होया वा कि आप फैडरल ढांचे की गल करते 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 योजे मुकाम पर आ गया इंडिया कि जो 2020 शायद एप्रोकेट किया 370 जी, हाँ 2019 370 जिहड़ा एक उन्होंने बड़ा एक स्टेटस दिता से, कॉन्स्टिट्यूशन ने बकायदा गैरंटी सी इंटरनेशनल सारी डोमेन दे विच कि तुसी साडा साथ दिओ, तुहानूं असी अलग अधिकार अपना अलग स्टेटस देंगे। एक पार्लियामेंट का सैशन बुला के ते उहदे जम्मू कश्मीर के 3 टुटे कर दिते, 3 UTs बनाते, इहदे नाल कोझा मजाक की हो सकता सीगा। ते जिहड़े वोटरीज जिहड़े सब तो वड्डे मुदई रहे ने, दे ऑल सपोर्टेड दिस ड्रेकोनियन मेजर, दिस ब्लैक लॉ कंप्लीटली। सारिया पार्टियां ने उस बहाव दे विच वग गए, यह नहीं देखा कि एड्डी वड्डी ज्यादती हो रही, उहदी सीधा डायरैक्ट इंपैक्ट अपने ते पैणा वा। कुछ लोग अपना फुल स्टेटहुड मंगते हैं, केजरीवाल साहब उन्होंने भी बड़ी जम के तारीफ की जी, बहुत वड्डा नैशनलिस्ट, फिर तुहानूं कदे लई स्टेट देणगे जे तुसीं दूजिया स्टेटां तोड़ के उहदे च खुश हो तुसीं तां। सो देयरफोर मेरे सत्कारयोग वीरो भैणों बजुर्गो विद्वानों और उपर स्टेज पर बैठे सारे सत्कारयोग, इनू इस तब्दीली लियानी सुखाली नहीं गी, इट विल नीड अ मैसिव मैसिव एफर्ट। जिहड़ा किसानी अंदोलन सी ना, उहदे च उह इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो के इसलिए चल गया क्योंकि वह सब ना कंसर्न सीगा, जिहड़ियां इदां दीआं गल्लां ने
आम जनता नूं टच ही नहीं करदियां। एक पंजाब या देश विच नवां सिस्टम बनिया कि मैनू की ते सानू की, नाल दे घर विच अग लगी हुई कहिंदा मैनू की आ, फलानी लड़की का बलात्कार हो गया मैनू की आ, सानू की आ, किसी होर की लड़की हैगी आ। ये मुद्दा जिहड़ा ना ये असल विच पोलीटिकल पार्टीज नूं जिहड़ियां रीजनल पार्टीज इन्हां नूं अगवाई करनी चाहिए सी, लेकिन उन्हां दी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। जिद्दां कहता इन्होंने कि दे बिकम सूडो रीजनल्स, दे रोल दे कन्वर्ट दे टुक वोट्स इन द नेम ऑफ रीजनलिज्म बट सोल्ड आउट एवरीथिंग दैट द रीजन हैड जस्ट टू सस्टेन पावर, टू बिल्ड एम्पायर्स, टू बिल्ड वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज। ये काम तो उन्होंने सीगा, लेकिन उन्होंने क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, कौन करूगा? अज पंजाब दे विच निगाह मार के देख लो किसी की क्रेडिबिलिटी है पोलीटिकल बंदे की पार्टी की? विरोध तो लोग कर रहे हैं खड़ के, जो गुरु ग्रंथ साहब का मोर्चा लगता तो आप मुहारे लोग लाते हैं, जो बत्तेवाड़ा का कोई एनवायरमेंट की गल आती तो वो आप मुहारे लोग उत्थे उसनू बचाते हैं, जे आ घल खुरद विच मोर्चा लगा हुआ तो आप मुहारे लोग बैठे हुए हैं, जे बंदी सिंघां की गल होंदी तो आप मुहारे लोग। वेयर इज द पोलीटिकल लीडरशिप, कित्थे ने उह? क्योंकि उन्होंने क्रेडिबिलिटी कोई नहीं गी, और उन्होंने अपने जो अंदर झात मारद उन्होंने लग उन्होंने पता कि असं वड्डे चोर हाँ, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस है नहीं गा, वो बाहर जाके तो लोगों को कन्विंस करेंगे, जे पहले अपने आप को कन्विंस करेंगे तो दे हैव नो सैल्फ कॉन्फिडेंस एट ऑल, जिदे करके सारा कांड होया वा। ये बहुत वड्डी लड़ाई लड़नी पैनी है अगर इस मुद्दे को सही मायने च किसी ने अगे चकना। एनालाइज आप सब ने करता, मैं जो प्रोफेसर खालिद की गल सुन रहा कितने बैठे ने, बस ही हैड कंप्लीटेड द एनालिसिस, द मीटिंग कुड हैव जस्ट स्टॉप देयर एंड स्टार्ट ऑफ व्हाट इज द एक्शन प्लान, व्हाट आर द सोल्यूशन दैट यू गॉट टू दिस प्रॉब्लम, इनू कि खेड़ा छुड़ाइए कि, क्योंकि पंजाब बहुत बुरी तरह इफेक्ट होया। क्योंकि समा इजाजत नहीं दिता, मैं दो गल्लां जिहड़ियां मैं पंजाब इत्थों तो थोड़ा जिहा हटके लेकिन कनैक्टेड इहदे नाल ही ने, एक तो डॉक्टर गांधी बैठे ने वोटरी ने और बहुत सारे अच्छे लोग इत्थों सारे वोटरी ने, आपां सरवाइव नहीं कर सकते, कदी सरवाइव ना खेती करे ना इंडस्ट्री करे ना पंजाब प्रफुल्लित होवे। अज 3 लाख करोड़ का कर्जा होर थोड़े समय में 5-4 लाख करोड़ वध जाणा वा, इक्को ही हद हल है। अगर जिहड़ा इत्थों क्या बजुर्गों ने हुणे, वैसे तो एक्चुअली तो जी बिजनेस कोरीडोर हैगी सारा रीजन होना चाहिए वा, लेकिन घट्टो घट सा पाकिस्तान नाल जो पुराना सिल्क रूट तो खुले, जोड़ा साडा समान खेती का वो घट्टो घट देखो कि वड्डी मार्केट आ बियॉन्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज हार्डली अ मार्केट, बियॉन्ड पाकिस्तान देखो कि वड्डा एरिया, सारा सेंट्रल एशिया, सारा अफगानिस्तान तो अगे ईरान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, राइट अप टिल रशिया, इट्स ए कंप्लीट बैरन लैंड मोस्टली हैगा, उत्थे हुंदा कुछ ना कुछ, लेकिन वो अपने खाण पीन का समान बहुता कोई मंगवाउंदा लैटिन अमेरिका तो, कुछ कंट्रीज मंगवाउंदे ने अफ्रीका तो, वाई नॉट आवर फूड ग्रेन, वाई नॉट आवर मिल्क, वाई नॉट आवर एग्रो प्रोडक्ट्स, वाई नॉट आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और इंडस्ट्री वाले भी मैं समझदा कई बंदे उस वहाओ दे विच आ जांदे ने कि नहीं जी नहीं शायद एंटी नैशनल गल हैगी आ, उह तुहाडी भी इंडस्ट्री नहीं चलनी क्योंकि पंजाब लैंडलॉक्ड है। कैन वी कंपीट विद गुजरात? Can we compete with the states like Maharashtra who got ports? We cannot. साड़ा सारा raw material भी बाहरों आता वा, तैयार समान भी सारा बाहर जाता वा, इस करके इंडस्ट्री भी फेल है। जी एवं जिन्हें मर्जी तुरे फिरते कितने कितने टावा टावा इंडस्ट्रियल यूनिट का कैम आ, अगर अगर इफ अगर इंडस्ट्री पास होंगी तो फिर साढ़े इंडस्ट्रियल लुधियाने वाले यूपी के योगी दिनत ना कटते होंगे कि सूँ उत्थे इंडस्ट्री लाने की आग्ञा दी जाए, या होर गुजरात दटेटा में साढ़े इंडस्ट्रियलिस्ट ना जाते हो, तो खेती का तुम किसान बैठे हो बहुते, इट्स अ टोटल फेलियर का। मैं पच्ची तीस साल तो नहीं 10-15 साल पूरा जोर लाया, बाग भी ला के देख लिया, नाखा का, आड़ू का, माल्टे का, किन्नू का, फ्लॉप। नॉर्मल खेती भी जेडे किसान ने ना, जे वो कितने अपनी बैलेंस शीट वो कटते हैं 6-6 महीने की छमाही बैलेंस शीट कटते कि इन्ने किले सानू हो गए जी, इन्नी आमदन हो गई जी इन्ने किले के हिसाब के नाल, अगर कोई किसान बैठ के 25 साल की बैलेंस शीट बनाऊगा ही इज़ अ लूजर, और ताइयों खुल सकता जे उधर। एक तो यह प्रपोजल, दूसरी जी आप सब तो ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस पहला तो आने वाला वा, आह तो दूजिया गलों तो बाद चाहे वध अधिकार मंग लाँगे जी, आप जे आप रहे ही ना, जे साड़ी होंद ही ना हुई तुम कि अधिकार जाके मंगोगे? पंजाब इज फेसिंग स्टेयरिंग एट डेमोग्राफिक क्राइसिस, अपनी 3 करोड़ दे मोटी मोटी आबादी आ, 50 लाख तो ज़्यादा तो पंजाबी इतों बहरले देशों जा चुका वा, जा चुकया तो ज़्यादा ही होगा, और उस हुण स्पीड अगों भी ज़्यादा वध गई है। पहला तो दुआबा वगैरह जाता से, हुण माझा, मालवा, बठिंडा, मानसा जिते कभी नहीं सीगा, सब की दौड़ लगी हुई है, और उसका की रिजल्ट हो रहा? वन दैट वी आर लूजिंग
बेहतरीन साडा ह्यूमन रिसोर्स पलिया पलाया जे ते असीं इनवैसट किया वा जे ते पैसे खर्चे स्टेट ने पढ़ाया उन्हूं लिखाया उन्हूं वड्डा किया ते नाल ओ जाण लगा 20-25 लाख रुपया नाल भी लैके जा रहा वा। जस्ट इमेजिन द ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, इकोनमी ड्रेन। 2 लाख आदमी मैंने तो मोटा मोटा हुण कहिंदे ने कि कैनेडा नूं हर साल जा रहा, जे 2 लाख जा रहा वा तो अंदाजा ला लो जे 25 लाख रुपया एक न्याणा लैके जा रहा, चाहे PR पढ़ाई ते वर्क परमिट ते कहते जांदा, किन्ने अरब रुपया साडा विदेशां नूं जा रहा। जमीनां दीआं कीमतां है नहीं, तू सारे पिंडां च बैठे हो, 15 लाख रुपए का गाहक है नहींगा पिंडां दे विच एकड़ दा, जिहड़ा 50 लाख रुपए नूं साडे दुआबे विच रेट सीगा किसे वेले। यह बड़ा चिंता का विशा वा। 2 इशूज अबाउट ओपनिंग ऑफ द ट्रेड विद रेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ऑलसो अबाउट दिस कि जिहड़ा साडा एक कानून बनाया जाए विधानसभा दे विच। वैसे तो असीं मिल के आए सी, स्पीकर साहब बैठे ने, आप भी दस सकते हैं, मैं प्रताप सिंह बाजवा 1.5 महीना पहला इन्हां कोल गए, इन्हों सारी गल अच्छी तरह समझाई कि अपनी होंद ही बचा लीए, चलो होर कुछ नहीं। तो हिमाचल प्रदेश तुसीं जा लै सकदे को बाग जाके दसो मैनू जरा, जे कि हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1972 ना इंट्रोड्यूस किया हों, सारे दिल्ली के बॉम्बे वाले ने उन्होंने बाग चक लेने से खरीद लेने से लभने नहीं, पहाड़ी है बेचारे। उन्होंने YS परमार चीफ मिनिस्टर अकलमंद सिंह उन्हें पहला सब तो पहला यह बिल पास किया और अपनी गल राजस्थान नहीं लै सकते, साडा वीर बोल के गया VK का, गुजरात नहीं रह सकते। आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हू कम एंड अर्न मनी फ्रॉम पंजाब, मोस्ट वेलकम, खरीदो पैसे, कमाओ पैसे, आमदन ले जाओ, अपने घर की हालत बेटर बनाओ, लेकिन इतने आंदियां सारी बछिंदे, आंदियां सारी वोटर, आंदियां सारी एग्रीकल्चर के मालिक, ये तो ठहर जाओ 20-25 साल, फैडरल स्ट्रक्चर की लोड़ ही नहीं पैनी, मंगने वाले कोई नहीं रहना, सारे विदेशा चल जाने और इतने गैर पंजाबियों ने आण के। अज भी सरकारी स्कूलों में रैंडमली जाके चेक कर लो, हर स्कूल 30 to 35% सरकारी स्कूल कह रहा मैं उन्होंने गैर पंजाबियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़न ये भी कोई मुद्दा नहीं गा, लेकिन साड़ी आइडेंटिटी, साड़ी होंद, साड़ी पंजाबीयत ताइयों बचेगी जे पंजाब दे विच आपां घट्टो घट्ट टैक्स सेफ गार्ड इतने इंडस्ट्री भी लाने है, आप हिमाचल ला सकते हैं, आ शर्तां पूरियां करनियां पैनियां, मालिक भी बन सकते हैं, आ शर्तां पूरियां करनियां पैनियां। ये 2 चीज़ां बहुत अहम ने, तो मैं एक बार फिर ऑर्गनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता, मीडिया का धन्यवाद करता, स्टेज उपर सुशोभित कई गल्लां प्रैक्टिकली कहिंदे हो जांदे, कुलदार मेरा अजीज आ, मेरा सत्कारयोग वीर है, मेरा कुलीग है, एंड आई होप दैट ही विल टेक दिस पॉजिटिवली एंड अदर पार्टीज ऑलसो, बिकॉज मैं जो कोई गल कहना कहना चाहना, मैं किसी को सामने टारगेट रख के नहीं कह रहा, ये वो आ रहे हैं उस संदर्भ के जो आप गल कहनी, कोई नुकताचीनी भी करनी है। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दीज फैक्ट्स फॉर पंजाब। मैं मुदई हाँ फैडरल ढांचे का, वध अधिकारां दा, बल्कि टोटल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल रिव्यू ऑफ द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिस कंट्री, ओनली दैन इंडिया कैन सर्वाइव एंड ऑलसो पंजाब कैन ओनली सर्वाइव इफ वी आर गिवन, वी आर मेड इक्वल रिस्पेक्टेबल स्टेक होल्डर्स इन दिस कंट्री। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।